अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बासित मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त मैं खान मछली फरोश के पास मौजूद हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों का सुगात समझी जाती है मछली, सर्दियों में इसकी खरीदो फरोख काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मेरे साथ खान मछली फरोश के इस वक्त ऑनर मौजूद हैं, आइए चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अपना नाम बताइएगा। खुर्रम। खुर्रम भाई, आप ये कितने अरसे से मछली का कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन मुझे तकरीबन हो गया तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है, इस फील्ड में आए हुए, ठीक है। तकरीबन मछली का रेट उतना ही है, अभी तक ना इसका कम हुआ है तो ना इसका रेट बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी कंसेप्ट है लोगों के अंदर, एक मिथ पाई जाती है कि गर्मियों में मछली नहीं खानी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? गर्मियों में मछली खानी चाहिए, सिर्फ ये 2 महीने जो होती है ना, वो 2 महीने मछली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो 2 महीने इसके अंडे को होते हैं, ठीक है, उस 2 महीनों में मछली नहीं खानी चाहिए। वो कौन से 2 महीने? वो होते हैं जनवरी फरवरी का होता है। जनवरी फरवरी में मछली नहीं खानी चाहिए? लेकिन लोग तो कहते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा यूज़ हो जाता है इसका और लोग काफ़ी, आप जैसे जैसे धुंधे पड़ेंगी आप देखिएगा कि मछली की खरीदो फरोख में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। वो इजाफा होता है मगर इसमें कोई ये नहीं होता कि जैसे बड़ा गोश्त है छोटा गोश्त है, ठीक है, उससे ज़्यादा ये ज़्यादा सेल होती है, ठीक है, क्योंकि ये सर्दियों की एक सुगात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ इधर इस वक्त मौजूद हैं आपकी शॉप पे? हमारी अलग ही मेहरबानी से सारी मछली मौजूद होती है हमारे पास। कौन कौन सी किस्म? हमारे पास काला रोहू होती है, माशेर होती है, बाम होती है, मली होती है, चिड़ा होता है, ठीक है, सिंगाड़ी होती है और अपना पामलेट होती है, अल्लाह का शुक्र सारी फिश होती है हमारे पास। अच्छा, इनके रेट बता दीजिएगा, मतलब शुरू कहाँ से होते हैं रेट और एंड कहाँ तक जाती है आपके पास? ये तकरीबन हमारे 250 से शुरू होती है तकरीबन और 600 तक जाती है। 600 रुपए किलो तक जाती है? जी। अच्छा, सबसे बड़ा पीस आपके पास कौन सी मछली का होता है? ये रोहू का होता है या कोई और दूसरी मछली है? हमारे इस टाइम हमारे पास मौजूद है ना जो, वो सबसे बड़ा पीस मली का है। ठीक है, वो कितना बड़ा पीस होता है? वो तकरीबन होगा कुछ 3 किलो का, 3.5 किलो का। 3-3.5 किलो का। अच्छा, आपकी जो खरीदो फरोख्त है गर्मी सर्दी एक जैसी रहती है या सर्दियों में इजाफा हो जाता है? सर्दियों में इजाफा होता है, गर्मियों में कम होती है। कम होती है। मैंने सुना कि मरीजों के लिए बड़ी, ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट के लिए बड़ी मुफीद है मछली। हाँ जी, बहुत मुफीद है, खानी चाहिए मरीजों को, मरीज़ के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि मछली खानी चाहिए, ठीक है, हफ्ते में तकरीबन 2 मरतबा मछली खानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, ये प्रोटीन होते हैं इसमें और काफ़ी वाफर मकदार में अल्लाह पाक ने, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है मछली खाने का, चाहे तल के खाएँ चाहे पका के खाएँ। आपसे ज़्यादातर लोग दुकानदार लेकर जाते हैं या आम गाहक लेकर जाते हैं? हमारे पास परचून भी लेके जाती है, थोक में हमारी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बिकती है। परचून में आपका क्या रेट है, मतलब उनको कोई डिस्काउंट मिलता है? परचून में हम डिस्काउंट देते हैं हम, मगर रीसेल उतनी ही होती है हमारी जितनी आम दिनों में होती है। अच्छा, आपके साथ होटल्स वगैरह भी अटैच हैं, ये अवारी और ये पीसी वगैरह? नहीं, ये हमारे पास अटैच नहीं है, हमारे पास ये तकरीबन ये है भगवानपुरी में दुकान वगैरह है, ये अटैच है। ये जो मछली फ्रोश होते हैं जो पका के तल के रात को सेल करते हैं? जी जी, वो है। अच्छा भाई, हमें ये बताइएगा कि आपका ये जो अड्डा है ये कहाँ पे करके है, ताकि हमारे व्यूवर्स अगर आपसे मछली ख़रीदना चाहें तो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारे पास कैरे शॉप है शेड मोड, ठीक है, उधर हमारी शॉप है, ये खान फिश कार्नर कोने पे है। कैरी शॉप है नाजरीन इनकी, खान फिश शॉप के नाम से इनकी शॉप है, आप इधर रब्ता कर सकते हैं। मुगलपुरे से बिल्कुल शेल पेट्रोल पम्प से अंदर आएँ तो वहाँ पर इनकी शॉप मौजूद है और ये पूरा साल मछली फरोख्त करते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, इन्होंने मछली का एक मसाला भी निकाला था आलमन, उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। मसाला बहुत अच्छा है हमारे पास, अपना तैयार करवाया है, ठीक है, ये तकरीबन फ्राई के लिए है और सिर्फ मछली धो के आपने मसाला लगा के फ्राई कर लेनी है और इसको कुछ भी नहीं लगाना पड़ना। ये वाला मसाला है, ठीक है, ये खान फिश कार्नल है, ठीक है, ये उसका मसाला है, बहुत अच्छा मसाला है। अच्छा, ये हर किस्म की मछली पे लग जाता है जो तलने वाली? हाँ जी, हर किसी मछली को लगता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ये हमारे साथ खान फिश कॉर्नर के ऑनर मौजूद थे, जैसा कि इन्होंने इनकी बात सुनी आपने कि पूरा साल मछली खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट डॉक्टर से ऑब्वियसली मशवरा ले सकते हैं जो बीमार हज़रात हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान बासित मीर को ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।